उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। गाइस फाइनली दोस्तों आप लोगों का भाई फर्स्ट टाइम किसी कार का रिव्यू करने वाला है। गाइस देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, फिलहाल मुझे कार के बारे में उतना खास नॉलेज नहीं है क्योंकि दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो आप लोग प्लीज़ इंटरेस्ट से देखना और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं कार की रिव्यू आगे कंटिन्यू करता रहूं। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ कुछ मिस्टेक हो सकती है, मुझे पता है क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। फिर भी दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँ। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस कार का रिव्यू करने वाले हैं आप लोगों को पता ही है दोस्तों XUV700 कितनी क्रेज है इस कार की अभी इंडियन मार्केट में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इस व्हीकल की कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सकें। सो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते बात करते XUV700 के बारे में। गाइस महिंद्रा XUV700 जो ओ है, मैं आपको बता दूं गाइस इस व्हीकल को इतना ज़्यादा पसंद कर किया जा रहा है कि इस व्हीकल का दोस्तों कल यहाँ पे ओपन बुकिंग हुई थी। जब यहाँ पे बुकिंग ओपन हुआ था गाइस इस व्हीकल को ओनली 57 मिनट में 25,000 गाइस बुकिंग मिली है। मतलब कि भाई ये जो कार है इसका जो लेवल है कुछ अलग ही हो चुका है। एंड मैं आपको बता दूं गाइस वैसे आगे आपको इसके फीचर्स के बारे में बताने ही वाला हूं, लेकिन दोस्तों इस व्हीकल में इतने सारे फीचर्स है ना कि कोई और भी ब्रांड आप लोगों को इस प्राइस टैग में इतने फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। गाइस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, कोई भी टाइम पास नहीं करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं वेरिएंट्स के बारे में। गाइस वेरिएंट्स के बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस व्हीकल में आप लोगों को बहुत ज्यादा वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। जी हां दोस्तों, डीजल एंड पेट्रोल दोनों में आप लोगों को बहुत ज्यादा वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए जो बेस मॉडल आता है इसका, उसका एक्स शोरूम प्राइस 12,49,000 रुपीज के आसपास से स्टार्ट होता है और इसका जो टॉप वेरिएंट जाता है गाइस वो 20,98,999 रुपीज के आसपास का एक्स शोरूम प्राइस के आसपास का जाता है इसका टॉप वेरिएंट गाइस। अब इसमें दोस्तों आप लोगों को ऑटोमेटिक भी मिलती है और मैनुअल भी मिलती है। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों को ऑटोमेटिक व्हीकल परचेस करना है या आप लोगों को मैनुअल परचेस करना है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर कुछ डिटेल्स के बारे में, तो इसमें आपको जो डीजल मिलेगी गाइस, डीजल वाली जो आती है दोस्तों उसका जो बेस मॉडल है वो एक्स शोरूम प्राइस 12,49,000 रुपीज के आसपास का आ जाता है, जो कि ऑन रोड प्राइस लगभग 15,31,000 रुपीज के आसपास की ऑन रोड प्राइस आती है। एंड वही दोस्तों पेट्रोल का जो बेस मॉडल आता है उसका एक्स शोरूम प्राइस लगभग 11,98,999 रुपीज एंड इसका जो ऑन रोड प्राइस आता है वो लगभग 14,15,000 रुपीज के आसपास का ऑन रोड प्राइस आता है। वैसे दोस्तों प्राइस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो सामने नहीं आया है। पेट्रोल का जो टॉप वेरिएंट आता है गाइस वो आपको AX780 लग्जरी पैक के नाम से आता है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस आता है गाइस टॉप वेरिएंट का पेट्रोल का गाइस, उसका एक्स शोरूम प्राइस आता है 20,98,999 रुपीज एंड ऑन रोड प्राइस लगभग मान लीजिए 24,70,000 रुपीज के आसपास की ऑन रोड प्राइस ये व्हीकल आती है। एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों व्हीकल काफी ज्यादा अच्छी है, इसको इसके फीचर्स के नाम से ज्यादा पसंद किया जा रहा है गाइस। एक्चुअल में सबसे बड़ा रीजन है इसके जो फीचर्स है, इस वजह से इस व्हीकल को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि दोस्तों आप लोग कौन सी वेरिएंट लेते हैं। मैं आपको बता दिया दोस्तों इसका जो बेस मॉडल है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो बेस मॉडल है गाइस वो लगभग 12 लाख रुपीज के आसपास का, 12 लाख रुपए के आसपास का एक्स शोरूम प्राइस आता है। एंड अगर वहां पर बात करें दोस्तों टॉप वेरिएंट क्या, तो लगभग 21 लाख रुपीज के आसपास का एक्स शोरूम प्राइस आता है। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों का बजट कितना है। तो ये तो दोस्तों हो गया इसका प्राइस। चलिए दोस्तों आ जाते हैं अब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इस व्हीकल के लुक वाइज के बारे में बात करेंगे कि व्हीकल का लुक कैसा है। देखिए लुक में दोस्तों आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं ये एक्चुअल में दिखने में काफी ज्यादा लग्जरी भी है। जितने इसमें फीचर्स है आपको ये उतनी ही लग्जरी देखने को भी मिलेगी। और अगर इसका लुक देखेंगे आप लोग, अगर इसको XUV500 या XUV300 से कंपेयर करोगे तो उनसे थोड़ा यूनिक ही बनाने की कोशिश की गई है। महिंद्रा की जो व्हीकल्स होती है गाइस एक्चुअल में काफी ज्यादा पसंद की जाती है, लेकिन दोस्तों इसको
को इन्होंने कुछ अलग ही तरीके से बनाया गया है। ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कार में से एक है। और इसके जो फीचर्स आ गए जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा भाई, वो तो आप लोगों को किसी भी एक मतलब 20 से 25 लाख रुपीज़ के आसपास कोई भी आप कार में चला जाओ ऐसे फीचर्स आपको नहीं मिलने वाले। दोस्तों मैं बात करता हूँ अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बेस मॉडल के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बेस मॉडल डीजल के बारे में बता देता हूं, उसके बाद दोस्तों हम टॉप वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। इस व्हीकल में दोस्तों आपको लगभग 2198 जी हाँ 2198 सीसी का इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर में 152.87 बीएचपी का पावर है जो कि 3750 आरपीएम पर पावर जनरेट करेगा। एंड मैक्सिमम टॉर्क में 360 का न्यूटन मीटर टॉर्क है जो कि 1500 से 2800 आरपीएम के आसपास का पावर जनरेट करता है। इस व्हीकल में नंबर ऑफ 4 सिलेंडर है, 4 वॉल्व पर सिलेंडर होंगे। प्लस दोस्तों मैं आपको बता दूं गियरबॉक्स आपको इसमें अगर आप मैनुअल लेते हैं तो 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आप ऑटोमेटिक लेंगे तो वो भी चीज़ आपको इसमें सेम देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों इसी में अगर आप टॉप वेरिएंट में जाते हैं, अगर टॉप वेरिएंट के पावर के बारे में बात करें तो टॉप वेरिएंट में दोस्तों आप लोगों को इसमें 2.0 का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जिसमें आपको 1999 सीसी यानी कि 200 सीसी का इंजन यूज किया गया है। मैक्सिमम पावर में अगर हम जाएंगे इस टॉप वेरिएंट के बारे में तो इसमें आप लोगों को लगभग 197.13 बीएचपी के आसपास का पावर मिलता है जो कि 5000 आरपीएम में पावर जनरेट करता है, पेट्रोल इंजन है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है जो कि 1750 टू 3000 आरपीएम में पावर जनरेट करता है। इट मींस आपको इसमें 380 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है गाइस। ऑब्वियस सी बात है भाई, इतना अच्छा इंजन है कि इसकी जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो आपको काफी बेटर देखने को मिल जाती है। ये तो दोस्तों पेट्रोल हो गया। अगर दोस्तों आप डीजल में टॉप वेरिएंट में जाएंगे, जी हां डीजल के अगर टॉप वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो यहां पे दोस्तों आप लोगों को इसमें 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है जिसमें कि 2198 सीसी का इंजन यूज किया गया है। इसमें आपको टॉर्क और बेहतर मिलेगा। इसमें मैक्सिमम पावर में 182.38 का पीएस पावर है जो कि 3500 आरपीएम पे पावर जनरेट करता है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में 450 का न्यूटन मीटर टॉर्क है जो कि 1752-2800 आरपीएम पे पावर जनरेट करता है। इट मींस आपको इसमें पावर यानी कि इसमें आपको जो टॉर्क मिलेगा वो और ज्यादा मिलेगा, तो इसको 0-100 जो है वो काफी ज्यादा क्विक होने वाली है। 4 वॉल्व पर सिलेंडर यानी कि एक सिलेंडर में 4 वॉल्व यानी कि टोटल 16 वॉल्व इंजन होंगे। टर्बो चार्जर है गाइस, अब आप लोगों को पता ही है टर्बो चार्जर जब इंजन में होता है किसी कार के तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक 6 स्पीड गियरबॉक्स आपको इसमें देखने को मिल जाता है। गाइस अगर बात करें इस व्हीकल के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आते हैं, फीचर्स के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा जानने को बेकरार है, मैं जानता हूं। गाइस देखिए फीचर्स में इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो इसको कीलेस इसके डोर ओपन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसके जो डोर है इसे आप कीलेस ओपन कर सकते हैं। जी हां, ये चीज मुझे ना इसमें काफी ज्यादा अच्छी लगी। दोस्तों इसके फ्रंट डोर ओपन करते हैं, फ्रंट डोर ओपन करती है आप इसमें अंदर का स्पेस देख लीजिए, एक्चुअल में लुकिंग वाइज भी काफ़ी बेटर है। प्लस अंदर का जो स्पेस आपको इसमें मिलेगा आप देख पा रहे हैं वो आपको इसमें काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके डोर में आप लोगों को ये जो फीचर्स मिल रहा है M1 के बाद 1, 2, 3, इसकी सबसे खास चीज़ ये है गाइस कि ये जो व्हीकल है ना ये आपके हिसाब से इसकी जो सीट है वो अपने तरीके से सेट हो जाएगी। जी हाँ, आप जित मतलब आपके हिसाब से ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी इसकी सीट। जी हाँ, जिससे जितनी भी आपकी हाइट है उसके हिसाब से ये सीट जो है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। प्लस यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस स्विचेस को दबा देंगे तो यहाँ पे Memory 1, Memory 2, Memory 3 आप सेट कर सकते हैं। मतलब ये कि जैसे अगर आप चला रहे हो उसके बाद कोई और आपका बड़ा भाई चला रहा है, पापा चला रहे हैं, सबकी हाइट थोड़ी सी अलग है तो यहाँ पे वो सेट कर देंगे तो अपने तरीके से इस तरह की ये कार्ड सेट हो जाएगी कि ये बंदा इसे ऐसा चलाता है और ये बंदा इसे ऐसे चलाता है। तो फीचर्स के मामले में तो भाई कोई भी तोड़ नहीं है इस व्हीकल का, मैं आपको बता दूं बहुत ही बेहतर आपको ये व्हीकल देखने को मिल रही है। इसलिए इसमें अंदर बैठते हैं, सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में, वो है दोस्तों जो डिस्प्ले दिया गया है जिस वजह से इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। गाइस इसके स्क्रीन साइज के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को 10.25 इंच की स्क्रीन साइज फुली टच स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से 5.5 यानी कि दोनों साइड आपको आधी स्क्रीन मिलेगी। एक में आप लोगों को स्पीडोमीटर के फीचर्स मिलते हैं जैसे कि आप लोगों को इसका म्यूजिक कंट्रोल और जो भी फीचर्स आते हैं एप्स कंट्रोल है वो आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर दोस्तों बात करें फीचर्स के बारे में एक्चुअल में तो इसमें दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन फीचर्स के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें आप लोगों को रेडियो मिलता है, स्पीकर फ्रंट स्पीकर रियर दोनों ही साइड मिलेंगे। प्लस दोस्तों इसके जो स्पीकर्स हैं ना मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा लाउड है, आपको मुझे
मुझे नहीं लगता कि कोई एक्स्ट्रा फीचर्स या सॉरी एक्स्ट्रा स्पीकर्स आपको लगाने की ज़रूरत मिलेगी। इंटरग्रेटेड टूरिन ऑडियो मिलता है, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, टच स्क्रीन मिलता है जैसे मैंने आपको बताया, कनेक्टिविटी एंड्रॉयड ऑटो प्ले कार प्ले है। गाइस मैं आपको बता दूँ, स्क्रीन आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स और काफ़ी सारे ऐप भी आप इसमें एंड्रॉयड के यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कार प्ले है, नंबर ऑफ स्पीकर्स टोटल 12 स्पीकर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एंड वहीं दोस्तों एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें एलेक्सा बिल्ड है, मतलब आप जो भी बोलेंगे जैसे एलेक्सा वॉल्यूम कम, एलेक्सा साउंड चेंज, तो वो सारी चीजें आप जो भी बोलेंगे वो यहां पे काम करेगा। डुअल एचडी 26.03 का सेंटीमीटर स्क्रीन यानी कि 10.25 का स्पीडोमीटर आपको इंच के साइज में इसमें देखने को मिल जाता है। साथ में इसमें आपको जैसे मैंने बताया एलेक्सा एडेनो एक्स कनेक्ट विद 2 ईयर्स फ्री सब्सक्रिप्शन इंटेली कंट्रोल 3D ऑडियो इसके फीचर्स में देखने को मिल जाएगा। यानी कि गाइस फीचर्स में इसका कोई तोड़ नहीं है, इस सेगमेंट में अगर आप जाओगे तो भाई साहब क्या ही फीचर्स यहाँ पे महिंद्रा ने प्रोवाइड किए हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके कंफर्ट एंड कन्वीनेंस के बारे में, जो कि आपको इसमें पावर स्टीयरिंग मिलता है, पावर विंडो फ्रंट मिलता है, पावर विंडो रियर मिलता है, एयर कंडीशनर मिलता है यानी कि एसी मिलती है। मैं आपको बता दूं इसकी जो एसी है उसकी खास बात यह कि जैसे कि आप राइट में आप कोई भी ड्राइव कर रहा है और लेफ्ट में कोई बंदा बैठा है और हो सकता है कि दोस्तों किसी को ठंड लग रही है और किसी को गर्म लग रही है, ऐसा कभी कभी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जो एसी है वो 2 पार्ट में है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, वो बंदा अपने हिसाब से कर लेगा और जो ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ है वो अपने हिसाब से सेट भी कर लेगा, तो ये चीज भी आपको इसमें दी गई है। वहां पे दोस्तों हीटर है, एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, 2 जोन लो फ्यूल वार्निंग लाइट है, एसेसरी पावर आउटलेट है, विनेटी मिरर है, रियर रीडिंग लैंप है, रियर सीट हार्डरेस्ट है, एडजस्टेबल हार्डरेस्ट है, रियर सीट सेंट्रल आर्म रेस्ट है, साथ में कप होल्डर फ्रंट एंड कप होल्डर रियर में भी आपको देखने को मिल जाएगा, रियर एसी वेंट्स है, सीट लंबर सपोर्ट है, क्रूज कंट्रोल है। क्रूज कंट्रोल के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जब आप व्हीकल को क्रूज कंट्रोल में डाल देंगे तो क्या होगा, जैसे कि आप रोड में चल रहे हैं ठीक है, सामने जैसे कोई आता है तो ये जो व्हीकल है ना गाइस इसमें आप लोगों को ना तो एक्सीलेटर पे पैर रखने की जरूरत पड़ेगी और ना तो ब्रेक पे पैर रखने की जरूरत पड़ेगी, ये जो व्हीकल है ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। जी हाँ, ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। एंड वहीं पर दोस्तों जब भी आप वहां से निकल जाएंगे तो ये व्हीकल ऑटोमेटिक उस स्पीड को पकड़ लेगी जिस स्पीड को आपने क्रूज कंट्रोल में ऑन किया था। तो ये क्रूज कंट्रोल भाई इसके बहुत जोरदार है। पार्किंग सेंसर है, नेविगेशन सिस्टम है, इसके स्पीडोमीटर में आप लोग जो गूगल का मैप है उसे ऑन कर सकते हैं, स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री है, कीलेस एंट्री का मतलब ये होता है कि आपको की बस में टच करने की जरूरत पड़ेगी, इसके जो गोल गेट्स है वो ओपन हो जाएंगे, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, आजकल की सारी व्हीकल्स में ये चीज आ रही है, यूएसबी चार्जर फ्रंट एंड रियर दोनों साइड मिलता है, सेंट्रल कंसोल आर्मर से विद स्टोरेज है, ड्राइव मोड्स में आपको बता दूं इसमें आपको 4 ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाएंगे। एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करें तो काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि यूएसबी इन फर्स्ट एंड सी टाइप इन सेकेंड रो, थर्ड रो एसी, सेकेंड रो 60-40-1 टच टंबल फ्लेक्सिबल बूट स्पेस, थर्ड रो 50-50 स्प्लिट विद रिकलेंट, 6-वे पावर सीट विद मेमोरी एंड वेलकम रिट्रैक्ट, स्टेयरिंग माउंटर क्लस्टर कंट्रोल विद कस्टम की, को ड्राइवर एर्गो लेवल, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टार्ट एंड गो का, आपको ये सारे कुछ फीचर इसमें देखने को मिल जाएंगे। गाइस फीचर्स में भाई इसका कोई तोड़ नहीं है गाइस, इतने सारे फीचर्स है ना। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी दी गई है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम अगर मान लीजिए सामने कोई आ जाता है अचानक से तो गाइस ये व्हीकल अपने आप स्टॉप हो जाएगी। मतलब भाई जो फीचर्स यहाँ पे इस प्राइस टैग में मिल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता भाई कोई और ब्रांड आपको ये चीज प्रोवाइड कर पाएगा। साथ में दोस्तों मैं आपको अगर बता दूं इसके सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इंटीरियर के बारे में, तो इसमें आपको दोस्तों इसके स्पीडोमीटर में टेकोमीटर मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर मिलता है, इसके जो सीट्स है गाइस वो लेदर की सीट्स मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट होने वाले, जो थोड़ी सी मतलब ऐसा होता था कि नॉर्मल सीट्स होती है उतनी कंफर्ट नहीं होती कंपेयर टू लेदर, तो यहाँ पे लेदर यूज़ किया गया है, लेदर स्टीयरिंग व्हील है, लेदर रैप गियर शिफ्ट लेटर है, ग्लो कंपार्टमेंट है, डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल ओडोमीटर है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स है, डुअल टोन डैशबोर्ड है, लेकिन मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट सिर्फ फ्रंट में है। एडिशनल फीचर में रूफ लैम्प फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड रो 26.03 सेंटीमीटर यानी कि 10.25 का डिजिटल क्लस्टर है, सेकेंड रो मैप लैम्प्स वैनिटी मिरर इल्यूमिनेशन भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर के बारे में। एक्सटीरियर में दोस्तों सबसे पहले आप इसकी हेडलाइट देख लीजिए, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेहतर DRL लाइट देखने को मिलता है और हेडलाइट का अगर लुक देख पा रहे होंगे तो आपको जनरली इसमें काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में ये व्हीकल का जो लुक है ना गाइस इसकी
लाइट से काफ़ी ज़्यादा इसका लुक है वो बढ़ा रही है, जिसमें आप लोगों को दोस्तों एडजस्टेबल हेडलाइट मिलता है। जी जो इसकी हेडलाइट आप लोग देख पा रहे हैं जो कि प्रोजेक्टर लाइट है, इसे आप एडजस्टेबल भी कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ये चीज़ भी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों फॉग लाइट फ्रंट भी आपको देखने को मिलता है, पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर देखने को मिलेगा, मैनुअली एडजस्टेबल एक्स रियर व्यू मिरर देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर। साथ में दोस्तों इसमें आप लोगों को रेन सेंसिंग वाइपर मिलेगा, जिसका जो साइज है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। साथ में अलाउ व्हील देखने को मिलेगा। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात कर लेते हैं इसके सनरूफ के बारे में, तो गाइस मैं आपको बता दूं इतनी सारी मैंने कार देखी है, भले मैंने कोई कार का रिव्यू नहीं किया है, बट एक्चुअल में दोस्तों इसमें आप लोगों को जो रूफ मिल रहा है ना सनरूफ, उसका जो साइज है ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर आप किसी और कार से कंपेयर करेंगे ना, तो इतना बड़ा साइज का सनरूफ मुझे नहीं लगता कि किसी और कार में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी चीज आपको इसमें बहुत बेहतर देखने को मिल रही है, जो कि आप देख ही पा रहे हैं वीडियो में काफी ज्यादा है भाई इसका सनरूफ, काफी ज्यादा बड़ा साइज का है। मूनरूफ भी आपको इसमें मिलेगा, आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, कॉर्निंग हेडलैम्प्स है, रूफ रेल भी आपको इसमें मिलता है। लाइटिंग के बारे में बात करें, एलईडी हेडलाइट, डीआरएल, डे टाइम रनिंग लाइट्स, एलईडी टेल लैंप्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें इनके अलॉय व्हील्स के बारे में, अलॉय व्हील्स में दोस्तों आर 18 इंच के व्हील आपको इसमें देखने को मिलेंगे। टायर साइज के बारे में बात करें तो टायर साइज इसके सभी सेम होते हैं, 235x60 R18 के टायर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। टायर टाइप ट्यूबलेस रेडियल टायर है, एलईडी डीआरएल है, एलईडी हेडलाइट्स है, एलईडी टेल लाइट्स भी आपको इस व्हीकल में देखने को मिलते हैं। गाइस इसके एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक स्मार्ट डोर हैंडल, एरर हेड, हेडलाइट, टेल लैंप्स, एयर डैम, R18 डायमंड कट अलॉय व्हील, एलईडी क्लियर व्यू हेडलैंप्स विद ऑटो बूस्टर, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स आपको इस व्हीकल्स में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड की गई है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोई चीज की आपको इसमें कमी रखी गई है महिंद्रा की तरफ से। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस सेगमेंट में अब इसका शायद ही कोई तोड़ ला पाएगा इस प्राइस टैग में। ये तो हो गया दोस्तों इंटीरियर एक्सटीरियर कम्युनिकेशन स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट हो गया। अब आ जाते हैं इसके सेफ्टी पर्पज, भाई सेफ्टी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट रखती है आप लोगों को पता ही है। सेफ्टी में आते हैं, सेफ्टी में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस व्हीकल में ब्रेकिंग में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। ABS बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वजह से हमारी जो कार या बाइक का जो कंट्रोलिंग होता है वो काफी बेस्ट हो जाता है। सेंट्रल लॉकिंग है, पावर डोर लॉक्स है, चाइल्ड सेफ्टी आपको इसमें देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ एयरबैग्स के बारे में बात करें तो 7 एयरबैग्स दिए गए हैं। जी हां दोस्तों 7 एयरबैग्स आपको इस व्हीकल में देखने को मिल जाएंगे। ड्राइव एयरबैग है, पैसेंजर एयरबैग है, साइड एयरबैग फ्रंट, पैसेंजर साइड व्यू रियर मिरर देखने को मिलेगा, रियर सीट बेल्ट्स है, साइड इंपैक्ट बीम्स है, फ्रंट इंपैक्ट बीम्स है, एडजस्टेबल सीट्स है, टायर प्रेशर मॉनिटर है, क्रैश सेंसर है, मतलब क्रैश सेंसर भी आपको इसमें मिलेगा, इंजन चेक वार्निंग भी मिल जाएगा, ऑटोमेटिक हेडलाइट लैंप्स है, EBD भी दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। प्लस एडवांस सेफ्टी फीचर्स के बारे में अगर बात करें गाइस तो माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, पर्सनलाइज सेफ्टी अलर्ट्स, सर्टन एयरबैग फॉर ऑल रोज, एडवांस रियर असिस्टेंस सिस्टम, स्मार्ट क्लीन जोन ड्राइवर, साथ में डिटेक्शन कंटिन्यूस, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक भी आपको इसमें मिल जाएगा, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स भी आपको मिलेगा। प्लस दोस्तों इसमें अगर कैमरे के बारे में बात करें तो इसको मैं लगभग 4 से 5 कैमरे यूज़ किए गए हैं। जनरली आपको कैमरा क्वालिटी मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने भाई साहब शूट नहीं कर पाया, लेकिन इसकी जो कैमरा है गाइस वो 360 व्यू कैमरा दिया गया है। जी हाँ 360 व्यू कैमरा आप सभी साइड से आप इसमें अंदर में बैठे में देख सकते हैं। साथ में इसमें आपको स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मिलता है, साथ में इस वीडियो में आप लोगों को साइड सीट माउंट भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि भाई फीचर सेफ्टी इंटीरियर एक्सटीरियर कहीं से भी इस व्हीकल में कोई भी कमी नहीं रखी गई है महिंद्रा की तरफ से। एंड मेरे हिसाब से दोस्तों इस प्राइस टैग में यार क्या लगता है आप लोगों की कोई और ब्रांड ऐसा दे पाएगा, मुझे तो नहीं लगता। वहीं दोस्तों अगर बात करें इसके ब्रेकिंग में दोस्तों हैंड ब्रेक्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं ये जो फीचर्स है ना भाई ये आपको काफी प्रीमियम कार्स में मिलता है, जो कि आप लोगों को XUV700 में देखने को मिला है। आप लोग देख पा रहे दोस्तों इसमें आपको जो ब्रेकिंग मिलती है ना वो ऑटोमेटिक मिलती है। जी हैंड ब्रेकिंग भी आपको इसमें ऑटोमेटिक मिलती है। अगर जनरली दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम व्हीकल को छोड़ देते हैं, हैंड ब्रेक लगाना छोड़ देते हैं और हम कार से बाहर आ जाते हैं, बट एक्चुअल में मैं आपको बता दूं ये कार में अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके जो ब्रेकिंग है गाइस यानी कि इसको जो हैंड ब्रेक्स है वो अपने आप ही लग जाएंगे, जो कि स्विचेस वाइज आप कंट्रोल कर सकते
सकते हो। यानी कि दोस्तों फीचर्स में इसमें कोई भी कमी नहीं है। क्रूज कंट्रोल है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है, ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक है, प्लस दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स है, साथ में इसकी जो स्क्रीन डिस्प्ले फीचर्स आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाते हैं। साथ में दोस्तों इसकी जो स्टीयरिंग है उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते रियर स्पेस में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो रियर स्पेस, आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा रियर स्पेस भी आपको इसमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस है। 5 सीटर है गाइस, इजिली 5 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। प्लस दोस्तों पीछे आते हैं, पीछे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी स्पेस मिल गया, क्योंकि इस सीट को आप इसमें नीचे फ्लैट भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो फ्रंट की जो और इसमें जो बीच वाली सीट होती है इसे भी फ्लैट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सामान लेकर जाना है तो उसे भी आप फ्लैट कर सकते हैं, यानी कि नीचे कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। प्लस दोस्तों रियर टेल लाइट देख पा रहे हैं, इसकी जो रियर टेल लाइट का लुक है ना गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअल में अगर लुक देखा जाए तो लुकिंग वाइज भी इसे काफ़ी अच्छा महिंद्रा ने बनाने की कोशिश की है। और आप लोग जानते हैं भाई, अगर भाई किसी व्हीकल को 57 मिनट में 25,000 बुकिंग हो सकता है, तो ऑब्वियस ही बात है गाइस कि फीचर्स की यहाँ पे कोई भी कमी आपको इसमें नहीं दी गई है। और ओवरऑल दोस्तों बात करें इस व्हीकल के रेटिंग ऑप्शन के बारे में, तो फिलहाल अभी इसकी रेटिंग आई नहीं है ज़्यादा, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलना चाहूँगा गाइस, इस प्राइस टैग में किसी भी ब्रांड में आपको इतने फीचर्स तो भाई इम्पॉसिबल है, और अगर ऐसे फीचर्स आएंगे तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आते भी है गाइस तो मैं आपको बता दूँ भाई, ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेगी। इसके कंपेयर में महिंद्रा ही है जो ऐसा कर सकता है, इतने कम प्राइस में आपको इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके, आप मेरे वीडियोज़ अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट कार वीडियो में। फर्स्ट कार वीडियो था, कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।